रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 एंड 2 में हमने 3 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास गिविन है। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या है, 2:3। तो हमने ए के नीचे हमने लिखा 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो बी के नीचे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, देन हमारे पास बी और सी की जो वैल्यू है 4:5 हमने लिखा, बी के नीचे 4 लिखा एंड सी के नीचे हमने 5 लिखा। देन हमने पहले जो क्वेश्चन 1 में हमने किया था कि हमने इस तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में करना है, और बाकी इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ, जो ऊपर है उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ इस तरीके से। तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, 4 3 12, 3 5 15। अब हमारे पास क्या है, जो लास्ट जो 2 की जो वैल्यू गिविन है, रेशो गिविन है 7:10, सी और डी का है। तो हमने सी के नीचे लिखा 7 एंड डी के नीचे लिखा 10, ये रहा डी। ठीक है, इधर हमने लिखा 10। तो अब हमने इनको सॉल्व करना है आपस में। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 15 7 100 5, तो हमने लिखा 105। देन हमने 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 15 1 द 15 और 0 का 0, 150 आ जाएगा। देन हमारे पास इस 7 के साथ हमने इस 12 को भी मल्टीप्लाई करना है, इस 7 के साथ हमने 8 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 12 7 द क्या आता है हमारे पास, 12 7 द 84 एंड 7 8 द 56। तो देखिए हमारे पास क्या जवाब आता है इसका। तो स्टूडेंट्स, बुक में भी हमारे पास यही आंसर है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट को भी पहले हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले इन तीनों वैल्यू को क्या करना है, इनका रेशो फाइंड करना है, देन हमने सी और डी का रेशो फाइंड करना है। पहले हमने लिखना है ए और बी की वैल्यू जो है हमारे पास 4:3, और बी और सी की क्या है हमारे पास 5:7। इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 द 15, देन 5 को 4 से, 5 4 द 20, 3 7 द 21। ठीक है, अब हमारे पास जो सी और डी की, अब यहाँ पे देखें सी और डी का नहीं है, हमारे पास ए और डी की है। ए के नीचे हमने लिखना है 7 और डी के नीचे हमारे पास ये रहा, यहाँ पे लिखना है हमने डी के नीचे 9। अब हमने इनको कैसे करना है, इन दोनों को आपस में करेंगे। तो हमने जैसे पहले करते थे सेम वही तरीका है, ये जो दो वैल्यू एक ही नंबर की ए की, तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 7 द 14 एंड 0 140 आ गया। देन हमने इस 7 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 7 द 105, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 105 आ गया। अब अगेन हमने क्या करना है, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस नीचे वाली वैल्यू को दोनों ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 147 आएगा। हमने लिख लिया 147। देन हमने देखें क्रॉस साइन करना था यहाँ पे। अब हमने जो ऊपर वाली वैल्यू है उस वैल्यू को हमने नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 9 द 18 एंड 0 का 0। तो 20 को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 180, जो कि बुक में हमारे पास आंसर है। ठीक है, तरीका हमारे पास सेम है, एक ही तरीका है, आपने इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। और इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपके सामने कोई भी वैल्यू आ जाए आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन 4 में हमने एक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू गिविन है, यहाँ पर देखें हमने, हमारे पास जो वैल्यू पहले हम उसको लिख लेते हैं, 2 5:6। हमारे पास ये है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड, और ये दोनों क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ आप फुल फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। अब हमने इन दोनों को लिखना है 2/5
सॉरी हमने अपॉन नहीं मल्टीप्लाई लिखना है, टू को फाइव से मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव इज़ इक्वल टू, इस एक्स को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स। अब यहाँ पे देखें हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, जो सिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको सिक्स को हम दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे भी सिक्स और यहाँ पे भी सिक्स, तो ये सिक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एक्स हमारा इस तरफ आ गया, इसको हम उलट करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो टू फाइव तक क्या आ गया, टेन अपॉन सिक्स, तो ये पहले वैल्यू थी, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, ये बाद में एक्स है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास टेन अपॉन सिक्स है, तो ये कैंसिल आउट किससे हो रहा है, टू के टेबल से हो रहा है, टू थ्री द सिक्स, टू फाइव द टेन, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक्स इज़ इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर के पार्ट टू को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट टू को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय नाइन इज इक्वल टू, थ्री और सेवन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन। अब हमारे पास क्या है, जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड में तब्दील हो जाएगी, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर इस नाइन को हम इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये नाइन और ये नाइन आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमने लिखा एक्स इज़ इक्वल टू थ्री सेवन द ट्वेंटी वन अपॉन नाइन। अब देखिए नाइन के टेबल से ये कट रहा है, नाइन वन द नाइन नहीं थ्री टू द थ्री थ्री द नाइन थ्री सेवन द ट्वेंटी वन, हमारे पास आ गया सेवन अपॉन थ्री, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से इसका थ्री पार्ट भी सॉल्व करते हैं, तो हमने अपने थर्ड पार्ट को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमने लिखना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव, फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखें या एक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव एक ही बात है, देन हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है हमारे पास उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम फाइव को रिमूव करेंगे तो ये दूसरी तरफ जाके किस में तब्दील हो जाएगा, अपॉन में तब्दील हो जाएगा, तो हमने लिखा एक्स इज़ इक्वल टू फोर सेवन द ट्वेंटी एट अपॉन, ये फाइव हमारे पास यहाँ आ गया तो डिवाइड में तब्दील हो गया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं जैसे पहले मैंने बताया कि फाइव को इन दोनों वैल्यू के साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फाइव बच जाएगा, एक ही बात है। अब हमारे पास ट्वेंटी एट अपॉन फाइव है एक्स की वैल्यू, जो कि हमारा आंसर है, क्यों, क्योंकि ये किसी भी एक टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से हल किया है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।